सुंदरनामा न्यूज की खास पेशकश नगर निकाय चुनाव की राजनीतिक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिकरा वार्ड नंबर 32 भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद पद प्रत्याशी शशि यादव जी से। शशि यादव जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। शशि यादव जी, आप हमें बताइए कि आपने पहली बार नामांकन किया है? हाँ, ये हमारा प्रथम नामांकन किया है जी। आपके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में पहले भी सक्रिय रहा है? हाँ, हमारे पति मनीष यादव जो राजनीति में रह चुके हैं, जो संघ से भी जुड़े हुए भी हैं और समाज सेवा भी करते हैं जी। हाँ। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि नहीं आपको राजनीति में जाना चाहिए? हमको ये प्रेरणा पंडित दीनदयाल जी से मिली है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं लोग जो है कार्यकर्ता लोग को देख के भी हमको प्रेरित हुआ है, इसलिए हम इस बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से ज्यादा। शशि यादव जी, मैं जानना चाहूंगी इस चुनाव में आपका क्या एजेंडा है, आप किस एजेंडे को लेकर के जनता के बीच आए हैं? हम अपने क्षेत्र के लिए आए हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में कमी है, सड़क टूटा है, बिजली का दिक्कत होता है, पानी का दिक्कत है, बहुत गंदगी होती है गली में, इसीलिए हम अपने क्षेत्र में मतलब बेसिकली साफ सफाई स्वच्छता के लिए आपके एजेंडे का प्रमुख जो प्राथमिकता है। शशि यादव जी, जैसा कि हम जानते हैं कि बनारस इस समय शुद्ध पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो इस पे आप क्या करेंगे? ये शुद्ध पानी के लिए हम जो खराब सीवर है या पानी की जो पाइप आई है वो सब डैमेज हो गई हैं, उसको सही कराने का कोशिश करेंगे जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप बीजेपी महिला मोर्चा कैंट मंडल के उपाध्यक्ष भी रही हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपका क्या कदम होगा? जो महिलाएं पीछे हैं उनको हम आगे लाने का कोशिश करेंगे, और जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको शिक्षा प्राप्त करने का काम करेंगे। महिलाओं को बेसिकली आप मुख्य धारा से जोड़ आगे बढ़ाएंगे जी। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे प्रत्याशी अपने इसी मुद्दे को लेकर के आएंगे कि शुद्धता, स्वच्छता, साफ सफाई, जनता अपने शहर का क्षेत्र का विकास, लेकिन आपको जनता क्यों वोट दे? आप अपने कुछ ऐसे USP कुछ यूनिक पॉइंट बताइए जिससे आपको जनता वोट दे। जनता के बीच में हम रहते हैं, जनता का समाज सेवा करते हैं, जो वो राशन कार्ड हुआ, आइडेंटिटी प्रूफ हुआ वो बनवाते हैं, इसलिए जनता हमको चुनेगी। मतलब बेसिकली आप जनता की सेवा करते आए हैं, इसलिए आप जानते हैं कि जनता आपको चुनेगी। अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को कहना चाहेंगे कि एक बार हमको चांस दे कि हम आगे बढ़ कर उनका सेवा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शशि यादव जी ने बताया कि उनका कहना है कि वो जनता से एक मौका चाहती हैं कि जनता उन्हें पद दे, एक सत्तारूढ़ बनाए जिससे वो वैधानिक रूप से जनता की सेवा कर सके। धन्यवाद शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। नमस्कार, आप आज के शो के लिए बस इतना ही, फिर हम नई अपनी राजनीतिक परिचर्चा में एक नए सदस्य के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।